अभी सुनंदा आई है और हम बना रहे हैं आज बटाटा और पोहा के कटलेट। दो बटाटा लेके हमने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। पोहा लिया है एक कटोरी, इसको पानी से धो के भिगा देंगे। पोहा को निचोड़ के दूसरे बाउल में हम रख देते हैं। प्याज लिया है, इसको बारीक बारीक काटेंगे। टमाटर लिया है, उसको भी बारीक काट के। दो हरी मिर्च लिया, अगर आपको तीखा चाहिए तो आप तीखा भी बना सकते हैं। हरी मिर्च को बारीक बारीक काटते हैं। धनिया लिया, धनिया तो डालेंगे तो बहुत ही अच्छा स्वाद भी आता है और देखने में भी सुंदर है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है धनिया। गार्लिक यानी लहसुन लिया कद्दूकस करके। और आलू बॉईल हो गए हैं। पोहा भी भीग गए हैं। अब आलू काट के उसमें मैश कर देंगे। नमक डाला, हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कटलेट बना देंगे। जो आपको शेप अच्छा लगे उस शेप में आप बना सकते हैं। कॉर्नफ्लावर लेंगे, कॉर्नफ्लावर में रोल करके फ्राई करते हैं कटलेट को। ऑयल ऑयल गरम हो चुका है। अब कटलेट फ्राई करते हैं। धीमी आंच पे इसको पकाना है, अंदर से अच्छे से पक जाए और बाहर से थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। रेडी कटलेट सॉस के साथ खाने के लिए। थैंक यू।